हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियोस और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस पिजन कंपनी के मॉप के बारे में, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से इस बार वाली सेल में लिया है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि टाइम बचाता है, आपके हाथ गंदे नहीं करता है पोछा लगाते समय, और यहाँ पर भी और भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप लोग चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। इसके दूसरे तरफ वही सेम चीज़, और यहाँ पे इसकी MRP लिखी हुई है जो कि है कुछ 1500 रुपये के करीब, जबकि मुझे मिल गया है 550 रुपये के करीब। मैं आपको बिल दिखा दूँगा अगर मुझे मिल गया बिल तो ये देखो इसका बॉक्स, इसके बॉक्स में ये पूरा सेटअप रखा है, और ये रहा बिल, मुझे मिल गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये मुझे पड़ा है करीब 552 रुपये का। दोस्तों, इस सेल की वजह से मुझे 552 का पड़ा है, अन्यथा ये आपको 1000 और 500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। हो सकता है 650 या 700 रुपये में मिल जाए, तो सेल थी इसीलिए मुझे बहुत ही कम दामों में मिल गया। अगर आप लोग इस वीडियो को आज ही देख रहे होंगे, यानी कि आज सेल का लास्ट दिन है, तो अभी आपको ये कम रेट में मिल सकता है। तो ये देखो इसका मैनुअल, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है, और ये है इसके रिफिल पैक, या फिर बोल लो हाई टेक पोछा कुछ भी बोल लो, और ये पोछे का कवर जो कि पोछे के ऊपर लगा होता है, और ये पुचुर पुचुर करने वाला, अरे वो जिसमें आप लोग लिक्विड डिटर्जेंट भर सकते हैं, और फिर पुचुर पुचुर करो और पोछा लगाओ। तो बस इतना ही था। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ढक्कन मिला है जो कि शायद ड्रेन होस का ढक्कन है, हाँ वहीं का ढक्कन है, तो यहाँ से पानी सब निकल जाता है कचरे वाला। हाँ, तो अभी चलिए इसे जोड़ना शुरू करते हैं। हमें इस दोनों हैंडल को आपस में यहाँ से जोड़ना है कुछ ऐसे, और फिर ये देखो जुड़ गया, यहाँ पे अच्छी तरीके से कस देना है। लास्ट वाले हिस्से को ये देखो यहाँ पे इसके सांचे में सांचा मिला के अंदर की तरफ एकदम कस के घुसोड़ देना है। ये देखो सांचा दिखा है आपको, ये सांचा यहाँ पे बना है, और सेम इसका खांचा यहाँ पे बना हुआ है इसके हैंडल में, ये देखो इसके पाइप में, ठीक है। इसको सेम डायरेक्शन में ही रख के इसके अंदर घुसोड़ देना है। अगर मान लो ये नहीं घुस रहा है, हो सकता है ना घुसे, तो आपको हल्का सा तेल लगा देना है, कुछ भी चिकनाहट लगा देना है, फिर तेल लगा के घुसा देना है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इसे यहाँ से कस देना है, बस सिंपली मेरा पोछा तैयार। अभी हमें इसके नीचे वाले हिस्से को लगाना है कुछ इस तरीके से, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, अंदर इसके सांचे में लगाइए, ये सिंपली लग जाएगा, ये देखो कुछ ऐसे। तो काफ़ी आसान था इसे सेटअप करना, और हमारा हाईटेक पोछा लगभग तैयार हो ही गया है। हाईटेक ही है मेरे लिए और क्या। और ये देखो यहाँ पे एक लॉक लगा है, आप लोगों को इस लॉक को ओपन करना होगा जब भी आपको इस पोछे को सुखाना होगा। ये देखो अभी फ्री हो गया है गोल गोल घूमने के लिए, ये देखो किस तरीके से गोल गोल घूमता है जब भी आप लोग इस लॉक को खोल देंगे। तो चलिए अपनी इस पोछे वाली बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, फिर पोछा लगा के देखते हैं। तो इसमें मैंने पानी भर लिया है, और ये देखिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ, पानी में डुबोइए, इसे गीला करिए, पहले लॉक खोल के, फिर यहाँ पे इसे हल्का सा सूखा करिए ताकि ये हल्का सा नम हो जाए और पोछा लगाने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ से देखिए मैंने भिगोया, फिर इसे हल्का सा सुखाया, और फिर फटाफट अपने फ्लोर में पोछा लगाया।
तो दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ इसकी एकमात्र कमी के बारे में। इसकी कमी ये है कि जब भी इसमें पानी भरा हुआ होता है तभी आप लोग इसे एक जगह दूसरी जगह से ले जाने में पानी को गिरा भी सकते हैं। ये देखो ये बैलेंस नहीं होता है, कभी इधर कभी उधर, तो आपका पानी गिर सकता है। इस बात से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। ये देखो तो ये कमी है, कंपनी वालों को इसे फिक्स कर देना चाहिए। और बाकी का ये सब बढ़िया था। ये देखो मैं ड्रॉइंग करके दिखा देता हूँ, बस ढक्कन खींचो सारा पानी गायब। तो चलिए बात करते हैं कि इसे लेना चाहिए या नहीं। तो अगर बात करी जाए कमियों की तो केवल एक कमी थी जो कि मैंने आपको दिखा दी, बाकी मुझे इसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आई। बढ़िया पोंछा लगता है, टाइम भी बचता है, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं और काफ़ी सुविधा भी रहती है। तो अगर आप लोग मेरी तरह हर 10 मिनट में कचरा फैलाने वाले, मिट्टी फैलाने वाले इंसान हैं तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। मैं इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि भाई ले लो, अगर आपको काम है तो ले लो, कम दाम में मिल रहा है तो तुरंत ले लो, नहीं तो बाद में ले लो, लेकिन ले कर जरूर देखो इसको। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके ले सकते हैं। सच में कमाल का प्रोडक्ट था, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे।